में पहाड़ी इलाकों में किसानों ने मक्की की फसल की बिजाई की हुई है, जिसके बाद अब मक्की की फसल भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। लेकिन पिछले काफी समय से बारिश न होने के चलते किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जून के महीने में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश न होने से मक्की की फसल पर इसका असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में मक्की की फसल प्राकृतिक रूप से होने वाली बारिश पर ही निर्भर रहती है, लेकिन बारिश न होने से किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि तेज धूप के चलते मक्की की फसल भी धीरे धीरे मुरझाने लगी है। मक्की की फसल की बिजाई जो हमारे पहाड़ों में की गई है, तो मक्की की फसल अच्छी हुई है, तो काफ़ी दिनों से बारिश ना होने के कारण जो है मक्की की फसल जो है सूखने की कगार पर जा पहुंची है। तो हम लोग जो है काफ़ी मेहनत करके जो है मक्की की फसल की बिजाई करते हैं, और हमारा गुजारा जो है मक्की की फसल पर होता है। और पिछले काफ़ी दिनों से जो है बारिश ना होने के कारण जो है मक्की की फसल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से बारिश ना होने के कारण जो है किसान जो है उम्मीद की जा रही है कि आगामी दिनों में अगर बारिश हो जाती तो हमारी मक्की की फसल की अच्छी पैदावार हो सके। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में एक ही फसल मक्की की फसल होती है। जब से हमने मक्की की बिजाई की हुई है तब से अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। किसान लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होती है तो हमारे को फसलें भी होती है, अभी तक कोई भी बारिश नहीं हुई है। मक्की की फसल हमारे साल में एक ही फसल होती है। हम लोग किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं, साल की कमाई फसल होती है, हमारे फसल मक्की की होती है। अभी तक कोई बारिश नहीं हुई हुई है, बारिश हो तो हमारे किसान लोगों को आसानी हो जाती। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से बारिश न होने के चलते मक्की की फसल सूखने की कगार पर है। ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों की चिंता और बढ़ जाएगी। वहीं अगर आगामी दिनों में बारिश होती है तो किसान राहत की सांस लेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।